नेपाल में ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया है और नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन को लगा है बड़ा झटका क्योंकि टूट फूट शुरू हो चुका है। जानेंगे क्या है मामला, डॉक्टर एस जयशंकर ने नोट को लेकर क्या जवाब दिया है नेपाल को, वो भी जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक विभत्स हमला हुआ है जिस हमले में 22 से 25 लोग घायल हो गए हैं, 2 लोग मारे गए हैं। जानेंगे क्या चल रहा है चाइना के अंदर, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें नेपाल की तो नेपाल और भारत के बीच में बहुत बढ़िया इतिहास रहा है शुरुआती दौर से ही, लेकिन इस इतिहास में अब चीजें थोड़ी कड़वी होने लगी हैं और कड़वी होने के पीछे कारण क्या है, कारण है चाइना की एंट्री। चाइना की एंट्री ने चीजों को ज्यादा बनाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक ताजा उदाहरण देखिए कि किस तरीके से भारत के चीफ जस्टिस नेपाल पहुंचे हुए हैं और नेपाल में ये पशुपतिनाथ मंदिर के पास पहुंचे, इसके बाद यहाँ पूजा अर्चना की और फिर यहाँ पर इन्होंने संबोधित भी किया है। और ये रिश्ता रहा है भारत का नेपाल के साथ। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि नेपाल को कई समय में भारत ने मदद पहुंचाया है, पर राजनीति एक अलग ही चीज होती है। अभी का सीन ये हो गया है कि राजनीति से प्रभावित होकर यहाँ पर भी कुछ वैसे ही काम किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को भड़काया जा सके भारत के खिलाफ। और इसी क्रम में KP शर्मा ओली, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर गेम खेला और चाइना के साथ मिलकर खेला जिसका प्रभाव अब तक दिख रहा है। केपी शर्मा ओली का जब कार्यकाल था तब नेपाल में एक राजदूत हुआ करती थी चाइना की, वो थी होऊ यानकी, और ये उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली उनके बातों पर खूब चला करते थे। कई बार ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो कई ऐसे मीटिंग्स में भी शामिल होती थी जहां पर एक राजदूत का आना कोई कारण नहीं बनता है। उनके अपने ही देश के पार्टी के लोग क्रिटिसाइज भी करते थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कि आखिरकार ये हमारे अपने घरेलू राजनीति में क्यों एंट्री ले रही है। पर इसके कार्यकाल में ना चाइना को कूटनीतिक रूप से नेपाल से खूब फायदा हुआ। जैसे इन्होंने एक विवादित नक्शे की बात उठा दी और यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच में एक बीज बोने का काम कर दिया। नेपाल की संसद में एक विवादित नक्शे को पास भी करा लिया गया और तभी से भारत और नेपाल के बीच में एक दरार जरूर आ गई और ये दरार फिर आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वैसे बीच में भारत के समर्थक सरकार आई जिसकी वजह से रिश्ते थोड़े ठीक हुए, पर एक बार फिर से यहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा की जोड़ी टूट गई और फिर से ओली की एंट्री हो गई। ओली की एंट्री के बाद ही ये तो पक्का था कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने वाले काम शुरू होंगे और यहाँ पर काम शुरू हो गया। एक नए नोट की घोषणा हुई, कहा गया कि 100 रुपए के नए नोट आने वाले हैं और इसमें विवादित नक्शे को छापने का फैसला किया गया है। जो इलाका काला पानी लिपु लेक और लिपियान धुरा का है उसे नेपाल में दिखाया जाएगा और कहा गया कि ये जो विवादित नक्शा है चीन के इशारे पर चलने वाले केपी ओली ने नेपाली संसद से जो पारित कराया था वही चीज इसमें देखने को मिलेगा। जब ये बात उड़ती उड़ती मीडिया में आई तब एक पत्रकार ने डॉक्टर एस जयशंकर से ये सवाल किया, तब उन्होंने क्या जवाब दिया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो। Which include 3 places over which the India government is making also claim over it. What is your take on that? I saw that report. I have not looked at it in detail. But I think our position is very clear. Our position, you know, with Nepal, we were having discussions about. जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा कड़ा रूप अपनाया और कड़ा रूप अपनाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऐसा करने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना,
सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना, जमीनी हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। और जब डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान आया सख्त तौर पर, तब ये देखने को मिला कि नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने रुख बदलते हुए गोल मटोल बातें करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि नेपाल सीमा विवाद को राजनयिक माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है और भारत के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। हालांकि नारायण काजी श्रेष्ठ ने 100 रुपए के नए नोट छापने के फैसले पर कुछ भी नहीं कहा। खैर, अब जहां एक तरफ इस तरीके का माहौल बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक कांड शुरू हो गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। नेपाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें से करीब 25 सदस्य निकलकर बाहर आ चुके हैं और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी शुरू कर दी है। और ये जो नई पार्टी शुरू कर दी है, इसके बाद माना जा रहा है कि फिलहाल के लिए किसी तरीके से, बहुत ही किसी तरीके से ये सरकार बहुमत पर टिकी हुई है, पर इसका बहुमत पर टिके रह पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। मतलब कि नेपाल में गेम अभी चालू है और यहाँ पर टूटने और बनने का खेल भी चल रहा है। वैसे इसी बीच चीन में जापान के विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। खैर, जापान भी यहाँ एंट्री ले रहा है, अमेरिका भी ले रहा है, तो चाइना की एंट्री इतनी आसान नहीं होने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक भयानक हादसा हुआ है और इस हादसे ने कई तरह के सवाल बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चीन में हाल के दिनों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं। बीते साल अगस्त के महीने में यूनान प्रांत में मानसिक रूप से पीड़ित एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला किया था और इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, 7 लोग घायल हो गए थे। बीते ही साल सितंबर के महीने में दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के किंडरगार्टन में हुई चाकूबाजी की घटना में 6 लोग मारे गए थे, 1 शख्स घायल हुआ था। 2020 में दक्षिणी ग्वांगसी क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय में चाकू से किए गए हमले में 37 बच्चे और 2 वयस्क घायल हो गए थे, जबकि 2022 में पूर्वी जियांगसी प्रांत में एक किंडरगार्टन में चाकू से किए गए हमले पर 3 की मौत हो गई थी, 6 घायल हो गए थे। चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत यूनान के एक अस्पताल में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस हमले से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 21 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की मीडिया फुटेज निकल कर आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति अस्पताल परिसर के अंदर चाकू लहरा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी इनसे पकड़ लिया गया है, क्या है कारण, क्यों हमला हुआ है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मॉल में भी इसी तरीके की चाकूबाजी की घटना हुई थी और ये घटना इतनी भयानक थी कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोमबत्ती के साथ प्रदर्शन, और खुद अल्बनीज ने भी यहां पर समारोह को संबोधित किया था और संवेदनाएं प्रकट की थी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।